खराब हो गई है, रोड भी गई है पीछे साइड में। रोड 100 लोगों का 60 रुपए में। चांदनी वाला भरा दिया है, विकास समिति की आपकी अध्यक्षता में बैठे हुए किन बातों को दोनों रखा गया है और आपकी तरफ से क्या निकल गया है? विशेष रूप से ये केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसे करीब 29 विभाग हैं। उस विभाग के सभी अधिकारीगण आए थे, डीएम साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और विशेष रूप से उनकी समीक्षा की गई है। जहाँ जो भी दिक्कत इन लोगों को आ रही है, उस दिक्कतों को कैसे समाप्त किया जा सके और ये जनपद जालौन का विकास तेजी से आगे कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर भी हम लोगों ने समीक्षा की है। जैसे हमारे लिए जैसे 4 लेन है, ये NHAI है कि अधिकारी भी आए थे, उनसे भी चर्चा की, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं उन्हें कैसे कम किया जा सके और कहीं रोड खराब है वो ठीक कैसे किया जा सके, इस पर भी चिंता की गई। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो यहाँ कार्ड दिए गए हैं, 5 लाख का जो इंश्योरेंस है उस गरीब व्यक्ति को, उसे पे चर्चा की गई है और साथ साथ में और आगे लोगों को देना है उसकी भी चिंता की गई है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी जो हमारी माताओं को बहनों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया है, करीब 1 लाख से ज़्यादा कनेक्शन दिए गए हैं और आगे भी लोगों को दिए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर कई अधिकारी सामने आए, उदासीनता बरत रहे हैं, कई पेंडिंग उसको लेकर क्या रहेगा सर, इस तरह से पेंडेंसी को लेकर? नहीं नहीं, हमें तो खैर ऐसा नहीं आया, वो ये बैठक दिशा की जो बैठक है ना, वो जल संस्थान में इसमें काफ़ी समस्याएं आई इस तरह से, छः महीने से चीज़ें ऐसे पटकी नहीं, जिनके पास जो धन है उसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं। और जैसे विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग भी लगा है बड़ी तेज़ी के साथ। अब वो पिछली सरकार कुछ रही है, हम लोग उसे राजनीतिक बात नहीं करेंगे, पिछली सरकारों में ये काम बड़ा स्लो चला है, लेकिन 2017 के बाद जो चुनाव हो गए ये तेज़ी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। NHAI का काम अभी मतलब जिस तेज़ी के साथ शुरू हुआ था अपना काफी वाला, लेकिन अभी रुका पड़ा होगा, तो उसको लेकर क्या रहेगा, उसे कब तक शुरू होगा? नहीं, शीघ्र ही शुरू होगा, उसे हम लोग देख रहे हैं, उस पर हम सब लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और अभी इस बैठक में PT को आना था, नहीं आए, झांसी से PT के लोग आए हैं, ऑफिस से आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। और विशेष रूप से सबसे बड़ी जो समस्या थी वो हम लोगों प्रशासन ने, जिला प्रशासन को बधाई दूंगा कि उन्होंने वो समस्या को दूर कर दिया है, जो बरसों से हम लोग लगे थे किसी तरीके से, तो उसका जो अतिक्रमण था वो दूर कर दिया गया है। अब वो काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।